हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू नॉलेज केबीसी। आज हम बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा 11th क्लास का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ब्लूप्रिंट देखेंगे कि 11th क्लास का जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर होगा 2019 का, उसमें कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन आएंगे और कौन कौन सी यूनिट से कितने नंबर का पेपर आना है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं एक एक नंबर वाले, वो आपके टोटल आएंगे 16 क्वेश्चन, 16 नंबर के। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो दो दो नंबर के क्वेश्चन हैं वो 10 क्वेश्चन आएंगे, दो दो नंबर वाले 20 नंबर का हो गया। चार चार नंबर वाले शॉर्ट आंसर टाइप, चार चार नंबर के आएंगे आपके, 5 क्वेश्चन 20 नंबर हो गया। और तीन क्वेश्चन आपके आएंगे 8 8 नंबर के, 24 क्वेश्चन नंबर का हो गया ये। तो टोटल 80 नंबर का पेपर है आपका और 34 क्वेश्चन आएंगे इसमें। अब देखते हैं कौन सी यूनिट से कितना आना है। पहला चैप्टर है आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मीनिंग स्कोप एंड सिग्निफिकेंस, इसमें से 7 नंबर का पेपर आएगा। पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में से भी 7 नंबर का आना है। थर्ड यूनिट स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर, इसमें से 10 नंबर का आएगा, इसकी वेटेज ज्यादा है। फिर आपका रिलेशनशिप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विथ पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी, इसमें से भी 10 नंबर का आएगा। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिप्टी कमिश्नर एंड SSP 7 नंबर का। ऑर्गेनाइजेशन बेसिस एंड प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 10 नंबर का है ये भी। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड म्यूनिसिपल कमेटी 10 नंबर का। सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल डिफिकल्टीज 5 नंबर का। पब्लिक रिलेशन मीनिंग ऑफ एंड सिग्निफिकेंस 7 नंबर का। एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन बजट एस्टिमेट एंड पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये 7 नंबर का। तो टोटल कुल मिला के आपका 80 नंबर का पेपर होगा यूनिट वाइज। तो जिस यूनिट का जितना वेटेज है उसी हिसाब से उसको स्टडी करें और इससे आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।